इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार देगी 50,000 रुपये। आवेदन शुरू। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 40,000 रुपये की छूट दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बढ़ गया है। अगर कोई भी टू व्हीकल थ्री व्हीलर खरीदना है तो ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर ही खरीदते हैं ताकि उन्हें इसका फायदा मिले। अब सरकार की तरफ से भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है तो उसको 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, यानी व्हीकल खरीदने वालों की 50,000 रुपये कम लगेंगे। इस योजना का नाम ही परिवहन संवर्धन योजना 2024 रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू कर दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी, यानी इस दौरान कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है तो उसे सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। योजना के तहत अगर ग्राहक दुपहिया वाहन खरीदा है तो उसे 10,000 रुपये की सब्सिडी जाएगी। इसके अगर तिपहिया वाहन खरीदना है तो उसे 25,000 रुपये की और तिपहिया वाहन में भारी वाहन खरीदना है तो 50,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके, पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जा सके। कांड योजना के तहत फ्री सब्सिडी देने का प्लान बनाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए और भी शानदार मौका दे दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकता है और उसे बकायदा 50,000 रुपये तक की सब्सिडी जाएगी, यानी अगर कोई वहाँ 1,10,000 रुपये का आता है तो उसे मात्र 60,000 रुपये देने होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।